हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी यूपी SSSC JEE के मैकेनिकल के सिलेबस के बारे में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, बहुत सारी वेबसाइट पे कुछ भी उठपटांग, वेबसाइट पर कुछ भी उठपटांग आपका सिलेबस दिया हुआ है, चार टॉपिक बताए हुए हैं, पाँच बताए हुए हैं, छः बुक बताई हुई हैं, ये बताया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो आपका सिलेबस है, ये आपका डिक्टो नोटिफिकेशन का सिलेबस है। मैंने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये आपका मैकेनिकल का सिलेबस है। और फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और सभी टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना। ओके, सबसे पहला टॉपिक है आपका गाइस थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन। ये डायरेक्ट ऐसे ही बताया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, फोर बार लिंकेज एंड लिंक मशीन, और पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्स, वी बेल्स एंड फ्लैट बेल्स, क्लचेस, प्लेट्स एंड कॉनिकल गियर्स, टाइप ऑफ गियर्स, ओके, और गियर प्रोफाइल एंड गियर रेशियो कैलकुलेशन, गवर्नर प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग मशीन एंड सोम। ठीक है, रिवेटेड जॉइंट्स, कैम्स, बियरिंग्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट, बैंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डाइग्राम, ओके, और स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स और टोर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। और गाइस, फ्यूचर में मैं और वीडियोज भी लेके आऊंगा, अभी और भी सिलेबस है, वीडियो को बंद मत कीजिएगा। ठीक है गाइस, फ्यूचर में हम और भी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप जल्द से जल्दी सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या बुक आप यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आपको UP SSSC JEE क्रैक करना है। आपका एक मंथ के आसपास टाइम बचा है UP SSSC JEE के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका थिन वेल्व्स प्रेशर वेशल और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, इंट्रोडक्शन टू स्टीम टेबल विद रिस्पेक्ट टू स्टीम जनरेशन प्रोसेस। और गाइस, सभी टॉपिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वेट एंड सुपर हीटेड स्टर्ट्स और डेफिनेशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ सुपर हीट ऑफ स्टीम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंडीशन फॉर स्टडी फ्लो। नेक्स्ट आपका सोर्स रिजर्वायर ऑफ हीट और IC इंजन ऑफ परफॉर्मेंस, रैंकिन साइकिल एफिशियंसी एंड विदाउट पंप वर्क, बॉयलर्स क्वालिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिटिंग एंड एक्सेसरीज, एयर कंप्रेशर एंड देयर साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टर्बाइन्स। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर लिख रहा था, लिखने में इतना मग्न था कि हिंदी में ही लिख दिया उसको भी। और नोजल एंड स्टीम टर्बाइन्स, फ्लूड मशीन एंड मशीनरी, फ्लूड स्टैटिक्स और मेजरमेंट ऑफ फ्लूड प्रेशर, फिर आपका हाइड्रोलिक टर्बाइन्स और सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल और परफॉर्मेंस। सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल और परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की, पंप का क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल और परफॉर्मेंस पूछी गई है। और उसी के साथ अगर आप फ्यूचर में UP SSSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो आप अभी, और आपने अभी तक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए, स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, टाइम टेबल वीडियो चाहिए, जिस जिस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, जो भी आपकी डिमांड है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी विद इन अ डे। आप कमेंट आज करोगे तो कल वीडियो पोस्ट हो जाएगी, आप कल करोगे तो परसों वीडियो पोस्ट हो जाएगी। और मुझे वीडियो बनाने के लिए 10 या 12 कमेंट की जरूरत नहीं है, आप, मैं एक स्टूडेंट के लिए भी वीडियो बनाता हूं भाई। ठीक है, तो जिस तरीके की भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है उसकी वीडियो तो आपकी आने ही वाली है। उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी UP SSSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आधों को सिलेबस ही नहीं पता करना क्या है। हिंदी वाला सिलेबस आप पढ़ नहीं रहे हो क्योंकि बहुत ज्यादा आलस आता है, हिंदी में लिखा क्या है समझ में नहीं आ रहा। ओके, और बाकी सारा जो आपका सिलेबस है, बुक्स कौन सी यूज करनी है, उन सबके बारे में आपको बता दूंगा। और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। तो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस।